श्री गुरु नानक देव जी के चरणों से जुड़ने के लिए भाई साहिब गुरप्रीत सिंह जी रिंकू वीर जी द्वारा 24 घंटे हर पल सिमरन और कीर्तन कथा का आनंद पाने के लिए अमृत वेला टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ संगत जी, किसी ने सवाल किया है कि घर में गरीबी है और ये सवाल अनगिनत लोगों का होता है। घर में गरीबी है, तकलीफ है बहुत, और आगे लिखते हैं कोई शब्द बताओ कि गरीबी दूर हो जाए। और फिर तीसरा सवाल यहाँ पर ये है, लिखते हैं और ये भी बता देना भाई साहब के शब्द कितने दिन पढ़ना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर से सुनिए सवाल कि घर में गरीबी है, बहुत तकलीफ है, कोई शब्द बताइए जिसका जाप करने से गरीबी दूर हो जाए, और वो कितने दिन पढ़ना है वो भी बताइए। एक्चुअली में ये सारा सवाल ही गलत है साथ से कच्चे। इस बात को समझने के लिए, इस घटना को समझना पड़ेगा। ये गुरबानी क्या है ना साथ संगत जी, आईना है। आईना गुरबानी करती क्या है, हमारा चेहरा, जो भीतर का चेहरा है, हमारे आगे लाके खड़ा कर देती है। कई बार हमें अपनी गलती दिखाई नहीं देती, कई बार नहीं, ज़्यादातर हर किसी को अपनी गलती दिखाई नहीं देती। दूसरे की पीठ दिखाई देती है, अपनी पीठ दिखाई नहीं देती। आज जो दास घटना सुनाने जा रहे हैं ये ऐतिहासिक घटना है, और इसको सुनने के बाद कईयों को बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो दास की बेनती है, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, समझने की कोशिश करना कि हम कहाँ पर गलत है इस सवाल में। गरीबी दूर करनी है, ज़रूरी है, मानता हूँ, पर उसका तरीका क्या होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से सुनेगा आज। सन 1999 1899 की घटना है ये, 1800 यानी कि 1899 की घटना। एक महापुरुष हुए हैं कमाई वाले, जिनका नाम है संत संगत सिंह जी कमालिए वाले। शायद बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमाई वाले महापुरुष हुए हैं ये संत संगत सिंह जी कमालिए वाले। एक गुरुद्वारे में ये प्रवचन करने गए, संगत इकट्ठी हुई। प्रवचन करके जब बाहर निकल रहे हैं तो एक आदमी सामने आके खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू हैं, और हाथ जोड़कर क्या कहता है, महापुरुषो, हिंदी में बात करता है क्योंकि वो मुसलमान है। उसका नाम आया इतिहास में अब्दुल करीम। संत संगत सिंह जी कमालिए वालों से हाथ जोड़कर कहता है, आंखों में आंसू हैं, दुखी है, कि अल्लाह के बंदे मेरी मदद कर। बहुत समय से मन तपस्या से भरा हुआ है, दुखी है, परेशान है, आज आपके प्रवचन सुने, आपने जो कथा की संगत में, सुनकर मन को शांति मिली, आप अल्लाह के बंदे हो, मुझ पे तरस करो। संत संगत सिंह जी कमाली वाले ने सवाल किया, भाई क्या तकलीफ है तुझे? तो वो अब्दुल करीम कहता है कि दर दर भटक रहा हूँ कई दिनों से, कई महीनों से, और कुछ दिनों से तो कुछ खाया भी नहीं था। घरवाली साथ में है, भीख मांग रहे हैं। इस गुरुद्वारे में मदद मिली है, खाने को मिला है, रहने के लिए 3-4 दिन के लिए कमरा दिया है गुरुद्वारे वालों ने, पर 3-4 दिन के बाद ये भी खाली करा लेंगे वो। ना मेरे पास एक टका है, पैसा है, ना मेरे पास राशन है, ना मेरे पास रहने की जगह है। क्या मेरी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा है? मैं भीख मांगना नहीं चाहता, मैं मांग कर नहीं खाना चाहता, मैं मेहनत करके खाना चाहता हूँ। काम मांगने जाता हूँ, काम नहीं मिलता, दर दर भटक भटक के थक गया हूँ, कोई काम नहीं देता। और आखिर में अब्दुल करीम कहता है, हे अल्लाह के बंदे, मुझे कोई कलाम दे दे जिसे मैं पढूं और मेरे सारे काम बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरी गरीबी दूर हो जाए। वही सवाल जो किया है यहाँ पर कि गरीबी दूर हो जाए।
यहाँ पर संत संगत सिंह जी कमाली वालों ने उस अब्दुल करीम से कहा, मुझे तेरी बात बहुत अच्छी लगी, तू भीख नहीं मांगना चाहता, इज्जत की खाना चाहता है, अगर सचमुच तू हक की खाना चाहता है तो अपने सेवादार से इशारा किया, कागज़ और कलम मंगाई उस वक्त और एक कलाम लिख कर दी, एक पंक्ति लिख कर दी उन्होंने उस अब्दुल करीम को और कहने लगे, इसे पढ़ते रहना दिन रात, छोड़ना मत, गुरु भली करेगा, गुरु नानक तेरा अल्लाह भली करेगा। यहां पर संत संगत सिंह जी कमाले वाले ने अब्दुल करीम से एक बात कही थी, तू हक की खाना चाहता है, मांग कर नहीं खाना चाहता है, तेरी सोच नेक है, इसलिए तुझे कलाम दे रहे हैं, दिन रात पढ़ना, छोड़ना मत। और ये कलाम देकर वो चले गए। ये अब्दुल करीम उस कलाम को लेकर दिन रात पढ़ने लगा, दिन और रात साथ संगत जी, एक कर दिया उसने। दो दिन बीते, तीन दिन बीते, चार दिन बीते, वो पंक्तियां पढ़ते जा रहे हैं जो संत संगत सिंह जी कमाली वाले लिख कर दे गए। चौथा दिन हो गया, फिक्र में बैठा है, पढ़ भी रहा है और फिक्र भी है कि आज गुरुद्वारे वाले कहेंगे कमरा खाली करो, कहाँ जाऊंगा। तो वहां पर एक इतिहास में लिखा है कि सूबेदार आया, फौजी सूबेदार, रोज गुरुद्वारे माथा टेकने आता था, उसने देखा भी ये बैठा होता है यहाँ पर चार दिनों से। फौजी सूबेदार ने उसे अपने पास बुलाया, कहने लगे, चार दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ यहाँ बैठे हुए, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। तो उसने अपनी सारी हालत बयां की। तो फौजी सूबेदार कहने लगा, मेरे पास काम करोगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा, मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारी, और बहुत सारे मजदूर वहाँ पे काम करते हैं, मुझे वहाँ पे एक कामा चाहिए। कामा कहते हैं सत्संग जी, ए टाइप ऑफ मैनेजर, जो मजदूरों के ऊपर नज़र रखे, उनसे काम ले, उसे कहते हैं पुराने ज़माने में उसे कामा कहते थे, जो काम करने वाले के ऊपर ध्यान रखे। तो इस फौजी सूबेदार कहता है कि मेरे पास काम करो, मैं तुम्हें रहने के लिए घर भी दूंगा, 60 रुपये तनख्वाह भी दूंगा, तो मेरे पास काम करोगे। ये अब्दुल करीम, इसकी आंखों में आंसू आ गए, समझ गया कि जो कलाम मुझे दी थी इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि दर दर भटक भटक कर मैं काम मांगता रहा हूँ, 20 रुपये तनख्वाह पे भी किसी ने नहीं रखा, और ये 60 रुपये आकर मुझे काम दे रहा है, 60 रुपये तनख्वाह भी दे रहा है, रहने के लिए घर भी दे रहा है। इसका विश्वास बढ़ गया उस कलाम के ऊपर, उन पंक्तियों के ऊपर। फौजी सूबेदार ने पूछा, तेरे होंठ क्यों कांप रहे, तू घबरा क्यों रहा है। तब इस अब्दुल करीम ने कहा, मैं घबरा नहीं रहा, मेरे होंठ कांप नहीं रहे, जो अल्लाह के बंदों ने मुझे कलाम दी थी मैं वो पढ़ रहा हूँ। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, वो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, आप मुझसे बात भी कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी पढ़ते जा रहा हूँ। उन्होंने कहा था, दिन रात पढ़ना। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फौजी सूबेदार ने इसे घर दे दिया, कमरा दे दिया, ये खेतों में रखवाली करता है, पर इसने वो पंक्तियां नहीं छोड़ी साथ संगत जी, वो कलाम नहीं छोड़े। ये नहीं किया दात प्यारी विसरिया दातारा, काम मिल गया, घर मिल गया, काम हो गया, और वो पंक्तियां छोड़ दे, नहीं, इसने नहीं छोड़ी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। ये दास यहाँ पर बार बार इसलिए कह रहा है क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं कोई संत महापुरुष नहीं हूँ, पर वो समझते हैं कि ये कुछ कहेंगे और हो जाएगा। मेरे पास आते हैं कि ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, कोई नाम दो, गुरु की कृपा से किसी महापुरुष से जब कुछ लेके देते हैं, बताते हैं, तो दूसरा सवाल होता है जो इनका भी था जिन्होंने सवाल किया है, कि कितने दिन जपना है, हम कहाँ पर खड़े हैं, ये विचार करने वाली बात है। ध्यान देना दास क्या कह रहा है, जैसे ही हमें कोई नेम देता है किसी काम के लिए, हम दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि कितने दिन करना है, मतलब काम हो गया तो गुरु अपने घर, हम अपने घर, कितने दिन करना है। ये तो हमारी सोच है कि काम हो जाए एक बार, फिर नित्यनेम भी छोड़ के बैठ जाए, फिर नाम जपना भी छोड़ कर बैठ जाए। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी घटना समझाया करते थे हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए। कहते थे कि राजा का दरबार, महल, राजा महल, राज का महल, राजा का, वो रोज सुबह उठ के जब अपनी बालकनी में आता है महल के, तो देखते नीचे एक औरत झाड़ू मार रही है, महल के बाहर झाड़ू मारती है, औरत का वो काम है।
राजा के मन में एक दिन ख्याल आया, मैं जवान हो गया उसे देखते देखते, ये बुजुर्ग होने को आई है ये औरत, बचपन से झाड़ू मारते देखते आ रहा हूँ इसे, बहुत मेहनत की, बहुत सेवा की इसने राजमहल की, अब इसे आराम करने देना चाहिए। तो राजा ने क्या किया, एक बहुत कीमती हीरा, लाल जिसे कहते हैं, जहाँ कूड़ा होता है ना, जहाँ से वो सफाई करती थी, वहाँ पर रात को रख दिया कि जब सुबह ये सफाई करने आए तो उस औरत को वो हीरा मिल जाए, लाल मिल जाए। वही हुआ, सुबह हुई, औरत वो झाड़ू मारने लगी, कचरा साफ करते करते उसे वो हीरा मिल गया, हैरान हो गई। पर उसे ईमानदार थी तो राजा के पास पहुंच गई कि राजमहल के बाहर ये हीरा मिला है, ये किसी आम आदमी का तो हो नहीं सकता, आपका ही होगा, राजमहल से किसी ने बाहर फेंक दिया होगा गलती से। तो राजा इसकी ईमानदारी पे खुश हो गया, कह लगा नहीं, अगर तुम्हें मिला है तो तुम ही रख लो, तुम्हें मिला है तुम ही रख लो, तुम्हारी ईमानदारी पर खुश होकर मैं तुम्हें ये इनाम दे देता हूँ। औरत खुश होकर राजा को सलाम करके चली गई। राजा भी खुश हो गया कि उसका काम हो गया, कि औरत को अब हीरा मिल गया है, अब इसे झाड़ू नहीं मारना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हीरा बेच के इतनी दौलत मिल जाएगी कि बैठ कर सारा जीवन जो आराम से खा सकते हैं। पर राजा की हैरानी की हद न रही, जब सुबह दूसरे दिन उठा तो वो औरत फिर से झाड़ू मार रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब राजा ने उस औरत को अपने पास बुलाया, बस तेरे पास तो बेशकीमती हीरा है, अब क्यों झाड़ू मार रही है? तो उस औरत ने जो जवाब दिया वो हमारे लिए कीमती है, ज्ञान देने वाली बात है, जो बाबा आनंद सिंह जी हमें समझाते थे। बाबा आनंद सिंह ये घटना सुनाते हुए कहते, उस औरत ने जवाब दिया कि जिस झाड़ू ने मुझे ये हीरा दिलवाया है, जिस सेवा ने मेरे, जिस काम ने मुझे हीरा दिलवाया, इस बेशकीमती हीरा जहाँ से मुझे मिला, वो काम मैं कैसे छोड़ दूँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी से किसी ने सवाल किया था, आपको तो प्रत्यक्ष गुरु नानक के दर्शन हो गए, प्रत्यक्ष, रोज भोजन खिलाते हो गुरु नानक को, फिर अभी पूरा दिन बैठकर नाम क्यों जपते हो? माला फेरते थे बाबा जी कितने घंटे बैठकर, पूरा पूरा दिन नाम जपने में बीतता था बाबा आनंद सिंह जी का। तो सवाल किया, अब क्यों जप रहे हो? जपना तो इसलिए है ना कि गुरु नानक को पाना है, जब गुरु नानक को पा लिया फिर क्यों जपते हो, फिर इतनी मेहनत क्यों? तब बाबा आनंद सिंह जी ने यहाँ पर दो जवाब दिए थे साथ संगत जी, कहते थे पहली बात तो ये, क्योंकि अब जपने में रस आने लगा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हम इसलिए नहीं जपते कि मेहनत करनी है, हमें आनंद आता है। इसलिए बाबा आनंद सिंह जी का नाम ना किताब के ऊपर पता क्या लिखा होता है, नाम दे रसिए बाबा आनंद सिंह जी, नाम के रसिए, नाम जपने वाला नहीं, नाम के अभ्यासी नहीं, नाम के रसिए, जो नाम का रस लेते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा जवाब बाबा आनंद सिंह जी ने यही दिया जो उस औरत ने दिया, कि जिस मूल मंत्र ने गुरु नानक को मिलाया, उस मूल मंत्र को कैसे छोड़ दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस नाम ने गुरु नानक के दर्शन करा दिए पर तक, उस नाम को कैसे छोड़ दो? और हमारा सवाल होता है कि कितने दिन करना है, यानी कि इतने दिन करके हमारा काम हो जाए फिर हम नाम जपना छोड़ दें उतने दिन के बाद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये ज्ञान नहीं कि जिस नाम से अगर गरीबी दूर हो सकती है उस नाम को पकड़ लेंगे तो क्या क्या मिलेगा, विचार ये होना चाहिए। यहाँ पर अब्दुल करीम, अब आगे की घटना सुनिए कितनी कमाल की है, इस घटना से बहुत सारी शिक्षाएँ मिलती है साध संगत जी। ये अब्दुल करीम वो पंक्तियाँ पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं, ये खेतों में घूमते जा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ऊपर पंक्तियां पढ़ते जा रहे हैं दिन रात। हुआ क्या, उन पंक्तियों की बदौलत, उस नाम की बदौलत, उस कलाम की बदौलत, खेतों में फसल जो होती थी जितनी हर साल, उससे दुगनी हुई, इतिहास में लिखा है। अब यहां पर भी ठहर कर विचार करने वाली बात है, वाणी हजार जगह पर प्रमाणित करती है, जहां पर नाम आ जाए वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो ना आए, कौन सा सुख है जो ना हो, नाम के पीछे सारे सुख चले आते हैं। पर हमें विश्वास नहीं, कमी हमारे विश्वास में है, दुकान पर बैठे हैं चिंता में कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा, अगर चिंतन करने लग जाएं उसी गले पर बैठकर, चिंता छोड़ के नाम जपने लग जाएं, तो क्यों कृपा नहीं होगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अब्दुल करीम खेतों में घूमते जा रहा है, फसल दुगनी हो गई, जब सूबेदार आया
उसने फसल देख के हैरान हो गया कि इतने सालों से जितनी फसल हो रही थी उससे दुगनी हो गई, और नया काम तो एक ही किया है कि इस अब्दुल करीम को काम पे रखा है। वो फौजी सूबेदार इतना प्रसन्न हो गया, पहले तो उसने उसकी तनख्वाह 60 रुपये से 70 रुपये कर दी, फिर इतिहास में लिखा है कुछ सालों बाद उसने वो ज़मीन उसे ठेके पे दे दी, भाई तू ठेके पे ले ले, और करते 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 अब्दुल करीम उन ज़मीनों का मालिक बन गया। इतनी इज्जत हो गई उसके गांव में कि उसे गांव का मुखिया बना दिया गया, जिस गांव में वो काम करता था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्यों हुआ? उसने वो पंक्तियां नहीं छोड़ी, और पंक्तियां कौन सी थी सात संगत, कौन सी? मान होना चाहिए जो गुरु ने हम पर कृपा की है, जो आप 3 बजे से 4:30 3:15 से 4:30 जो पाठ में बैठते हो। पंक्तियां कौन सी थी? प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, ये पंक्तियां लिख कर दी थी संत संगत सिंह जी कमालिया वालों ने उस अब्दुल करीम को। प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, ये पंक्तियां पढ़ते जा रहा है। इसका भाव क्या है? जो प्रभु का सिमरन करता है, नौ निद्या 18 सिद्धियां उसके पीछे घूमती है, दुनिया के सारे सुख उसके पीछे घूमते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अपने आप चलकर उसके पास आते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये पंक्तियां पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उसने सवाल किया था, गरीबी बहुत है। असल में तो सात संगत जी गुरबाणी के एक एक अक्षर मंत्र है, एक एक अक्षर, कोई एक ओंकार कोई लेकर ही बैठ जाए। और मूल मंत्र जो दास गुरुसेव जी सेवा लेते हैं, हम सबसे ये 15 मिनट करते हैं, दास बार बार कहता है। कई लोग हैं जो श्री सुखमणि साहब जी का पाठ पूरा नहीं कर पाते, या जिनके पास पूरा पाठ सुनने करने का टाइम नहीं है, वैसे तो करना ही चाहिए पर नहीं है, तो कम से कम ये 15 मिनट मूल मंत्र का समय मत छोड़ा करो। 15 मिनट तो है, पर ये 15 मिनट में ना जाने कितना नितनेम हो जाता है। अगर मूल मंत्र इंसान पकड़ लेना, एक मूल मंत्र सारे सुखों की दात उसमें है, जितने भी दुनियावी सुख हैं, परमार्थ के सुख हैं, ए लोक सुखी है पर लोक सुहेले। जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत और चौकुंठ माने, यही हुआ अब्दुल करीम के साथ। जिसे कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, कोई रखने को तैयार नहीं था, काम देने को तैयार नहीं था, आज गांव का मुखिया है, जमीनों का मालिक है। पर फिर भी अब्दुल करीम ने वो पंक्तियां नहीं छोड़ी, प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। अब क्या हुआ? 10 साल बीत गए इस बात को। 10 साल बाद उसी गुरुद्वारे में अब्दुल करीम गया, उसी गुरुद्वारे में संत संगत सिंह जी कमालिया वाले फिर से कथा करने आए। 10 साल बाद इस बार जब प्रवचन करके बाहर निकले, अब्दुल करीम फिर से हाथ जोड़कर आगे खड़ा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब अब्दुल करीम कहता है, हे अल्लाह के बंदे, आपने मुझे पहचाना, आपने मुझे कलाम लिख कर दी थी, प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। संत संगत सिंह जी कमालिया वाले ने उर्दू में उसे कलाम लिख कर दी थी, क्योंकि उन्हें उर्दू और फारसी दोनों का ज्ञान था। उस जमाने में ना सात संगत जी उर्दू और फारसी पढ़ाई जाते थे लगभग सबको, मेरे नानी माँ को भी उर्दू आती थी कुछ कुछ, क्योंकि वो पढ़े हुए थे। उस जमाने में सब स्कूल में पढ़ाई भी जाती थी। संत संगत सिंह जी कमालिया वाले से वो अब्दुल करीम कहता है, या अल्लाह के बंदे, आपने मुझे पहचाना? तो संत संगत सिंह जी कमालिया वाले ने मुस्करा के कहा, हाँ पहचान लिया, क्या हाल है बता। तो उसने सारी घटना बताई कि आपके इन पंक्तियों ने मेरे मुझे घर, अब मेरे पास हवेली है घर के बदले, जमीनों का मालिक हूँ, मेरा परिवार खुशहाल है, बच्चे भी हैं, सब है, सब कुछ है। तो संत संगत सिंह जी कमाली वाले कहते, अब क्या चाहता है? कहने लगा, हे महापुरुषो, ये इसने जो बात की ना सात संगत जी, इसने झिंझोड़ के रख दिया, इस बात ने ना मन को हिला के रख दिया जो इसने की। कहने लगा, ये ज्ञान सिर्फ हो जाए ना जो इसने आखिरी ये बात कही, तो समझो बात बन गई हमारे, अगर हमारे अंदर ये प्यास जाग जाए। कहने लगा, सब कुछ मिल गया, दुनियावी सुख सारे मिल गए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हे अल्लाह के बंदे, अब तरस कर, कोई ऐसी कलाम दे दे कि मरने के बाद वो मेरे साथ जाए और मुझे मरने के बाद भी किसी चीज़ का डर ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ऐसे कोई कलाम दे दो जिसे पढ़कर मैं मेरा मरने के बाद का परलोक भी सवर जाए। तब संत संगत सिंह जी कमालिया वालों ने एक बात कही,
कहने लगे, खुश हो गए, कहने लगे ये अवस्था भगवान किसी किसी को देता है कि जिसे अपने मरने के बाद की भी फिक्र हो। यहाँ की फिक्र तो हर एक को है, यहाँ के बाद की फिक्र कोई विरला करता है जिसे ज्ञान हो। तो संत संगत सिंह जी कमाली वाले ने अपने सेवादार को बुलाकर श्री सुखमणि साहब जी का उर्दू में गुटका मंगवाया, उर्दू में, और इसके झोले में डालते हुए कहा इसे रोज़ पढ़ने का प्रयत्न करना, रोज़ पढ़ना श्री सुखमणि साहब जी की वाणी को जो गुरु हमसे सेवा ले रहा है साथ संगत। और कहने लगे पूरा दिन वो पंक्तियाँ पढ़ते रहना, पर शाम को कुछ समय ये पंक्तियाँ भी पढ़ लेना। क्या कुछ समय? आधा एक घंटा। पहली पंक्तियाँ क्या दी? प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। दूसरी पंक्तियाँ कलाम लिख कर दिया कागज पर, प्रभ कह सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बुद्ध। तो उसने कहा कि इसका क्या भाव है? तो संत संगत सिंह जी कमाली वालों ने समझाया, पहले पंक्तियों का भाव था कि दुनिया के सारे सुख तेरे पीछे आ जाएंगे, वो आ गए। इन पंक्तियों का सुखमणि साहब जी में भाव है प्रभ कह सिमरन ज्ञान, तुझे ज्ञान मिल जाएगा, प्रभु को पाने का ज्ञान। ध्यान, तेरे सुरत एकाग्रचित हो जाएगी उसका सिमरन करने से, नाम जपने से। ये नाम की वड़ियाई है, सुरत एकाग्रचित नहीं होती, हम कहते हैं नाम जपने से सुरत एकाग्रचित होनी शुरू हो जाती है। ध्यान मिल जाएगा तुझे। तत् बुद्ध, तत् कहते हैं मूल को, मूल परमेश्वर का ज्ञान हो जाएगा कि परमेश्वर क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ज्ञान पाते ही तेरा परलोक भी सुवर जाएगा। और श्री सुखमणि साहब जी की वाणी साथ संगत जी जरा ध्यान देना, यहाँ पर अभी थोड़ा सा रुक के विचार करें। यहाँ पर श्री सुखमणि साहब जी की एक पंक्ति ने अब्दुल करीम का जीवन बदल कर रख दिया, दूसरी पंक्ति ने उसका परमार्थ संवार दिया। आप जरा विचार करो, जो रोज पूरी वाणी पढ़ेगा श्री सुखमणि साहब जी की, उसे क्या हासिल होगा? हम तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्या है ये श्री सुखमणि साहब जी की वाणी, कितनी ताकत है इसमें। 24 घंटे के स्वास्थ्य सफल, 24 घंटे के पाप माफ, ज्ञान ध्यान सब कुछ मिल जाएगा जो इंसान को चाहिए, गरीबी खत्म। क्या चाहिए? दुकान पर 4 घंटे 6 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लेंगे पर नाम नहीं जप सकते हम। हाथ जोड़कर बनती है। देखिए किसी ने सवाल किया है, बड़ा प्यारा लिखा हुआ है। उसने लिखा है कि अब मेरा ऑफिस शुरू हो गया है, या ये नहीं लिखा इसने कहाँ का है, ये हो सकता है कहीं पर लॉकडाउन कई जगह पर खुल गया हो या कुछ हो। तो उसने लिखा है कि मेरा ऑफिस शुरू हो गया, मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है, पर ऑफिस में बैठे हुए मेरा ध्यान यहाँ पर रहता है कि मैं सुखमणि साहब जी का पाठ कर नहीं पा रहा। तो उसने कहा है, हाथ जोड़कर बेनती है कि अमृत वेले भी ये पाठ कीजिए सुखमणि साहब जी का, क्योंकि मैं अमृत वेला संभाल लूँ और साथ में ये पाठ भी कर लूँ। ये बात केवल इसने लिखी है, पर यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अमृत वेले क्यों नहीं पाठ शुरू करते, क्योंकि अमृत वेला ट्रस्ट का सबसे मेन मकसद यही था कि अमृत वेले संगत को जोड़ना, और यही है और यही रहेगा। श्याम का दास ने इसलिए शुरू किया था कि नई संगत जुड़ जाए, नई संगत, क्योंकि अमृत वेले तो गुरु की कृपा से अपार संगत जुड़ी हुई है। अब दास यहाँ पे जितने सेवादार हैं उनका कहना है, यहाँ की संगत का कहना है, बाहर की संगत का कहना है कि अमृत वेले शुरू करो। दास ने पहले भी शुरू खोज सुखमणि साहब जी का पाठ तब शुरू किया था जब आप, मैंने कहा था आप लोग कमेंट में लिखो कि आप करोगे, तो क्योंकि साथ संगत जी आपको लगता है कि मैं यहाँ पर बैठ के बोल रहा हूँ, पर इसके लिए बहुत बड़ी टीम काम करती है, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए, बहुत मेहनत लगती है। वो सारी मेहनत सबके तब सफल है जब संगत बैठ कर जुड़ कर नाम जपे। अगर आप लोग चाहते हो कि अमृत वेले श्री सुखमणि साहब जी का पाठ शुरू हो, तकरीबन 2:30 बजे होगा, अगर होगा तो 2:30 से 4, क्योंकि 4 बजे कीर्तन, अगर आप लोग चाहते हो तो संडे से दास शुरू कर देगा लाइव पाठ श्री सुखमणि साहब जी, उसके बाद दास कीर्तन करेगा संडे को 4 बजे। अगर आप लोग चाहते हो ऐसा हो तो कमेंट में लिखे कि हम अमृत वेले उठेंगे पाठ सुनेंगे। देखिए लॉकडाउन का पीरियड है, लाभ उठा लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन तक तो आप शाम का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बाद अमृत वेले पे आ जाइए। अभी से नियम अभ्यास कर लीजिए, पूरा समय है, कभी भी सो सकते हैं, कभी भी उठ सकते हैं। और अमृत वेले का लाभ, अभी तक तो शाम का लाभ बता रहा था दास कि 1000 लोग मिलकर पाठ करते, 1,00,000 लोग मिलकर, अमृत वेले की तो कोई तुलना ही नहीं है। वचन याद कर लिया करो कि 10,000 मूल मंत्र का जाप एक तरफ दिन के समय, अमृत वेले एक बार किया हुआ एक तरफ एक समान है। 10,000 गुना फल है अमृत वेले, और जब संगत जुड़कर नाम जपेगी तो फल क्या बयान करें इसका।
अगर आप लोग चाहते हो कि आप अमृतले उठ के नाम श्री सुखमणि साहब जी के बाणी से जुड़ोगे, पहले श्री जपजी साहब जी का पाठ होगा, फिर श्री सुखमणि साहब जी का पाठ होगा, फिर दास कीर्तन करेगा 4 बजे से 5 बजे तक। अगर आप लोग हामी भरेंगे, कमेंट में लिखेंगे, तो मेरी तो बेनती है हाथ जोड़कर, एक एक के चरणों में बेनती है कि कमेंट में लिखे कि हम करेंगे। और इतने ही व्यूज, इससे ज्यादा व्यूज अमृत वेले होने चाहिए, इतने लोग बैठे होने चाहिए करने के लिए। और जो लोग कभी अमृत वेले नहीं उठे ना सात संगत, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि नई संगत जुड़ी है शाम को, एक बार दास की बात मानकर, गुरु नानक का तो हुक्म है, दास की बेनती मानकर एक बार अमृत वेला करके देखिए साथ में। जो रस आपको आएगा ना अमृत वेले नाम जपने में, उसकी तुलना नहीं हो सकती। वो गूंगे का गुड़ है, गूंगे ने गुड़ खाया और पूछा कि कैसा है, तो क्या बताएगा, नाच सकता है वो, हंस सकता है, बता नहीं सकता। जो चखेगा वही जान पाएगा कि इसका क्या रस है। अब आप कमेंट पे लिखेंगे कि हम अमृत वेले उठेंगे, संडे से फिर शुरू हो जाएगा वो, आप लोगों के हाथ में। वो कहते हैं ना, द बॉल इज इन योर कोर्ट, अभी आपके हाथ में है। आप लोग कमेंट लिखेंगे तो शुरू हो जाएगा, आप लोग जैसा चाहें, क्योंकि संगत के साथ ही सब कुछ है। गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करे। ये जो आज की घटना सुनी है, इससे ज्ञान लेना। दो प्रकार की बात होती है, बाबा नरसिंह जी कहते हैं, एक होता है नित्य नेम, एक होता है नमित नेम। नमित नेम कि ये नेम दे दो, मेरा ये काम हो जाए, काम हो गया, गुरु अपने घर में नेम छोड़ दिया, उसे कहते हैं नमित नेम। जो लोग इस चक्कर में रहते हैं ना कि मुझे कोई जाप दे दो शब्द का, मेरा ये काम हो जाए, वो सारा जीवन दुखी रहते हैं। काम हो गया, नेम छोड़ दिया, फिर से दुख आ गया, फिर से प्रॉब्लम आ गई, फिर से कोई जाप किया 40 दिन, फिर छोड़ दिया। बाबा रणसिंह जी कहते थे कि नित्य नेम बना लो, नमित नेम नहीं। ये हो गया किसी कार्य के नमित नेम करना, नित्य नेम बना लो। जिसने नित्य नेम बना लिया, श्री सुखमणि साहब जी का पाठ अमृत वेले का शाम को भी कर रहे हो, जिसने नित्य नेम बना लिया, कहते थे उसे दुख आ ही नहीं सकता, आने से पहले ही खत्म हो जाता है। चाला गे उठ नाम जप, निसबासुर आराध, कारा तुझे ना व्यापे नानक मिटे उपाध। तेरे आने वाले संकट आने से पहले खत्म हो जाएंगे अगर तूने नित्य नेम संभाल लिया। नित्य नेम गुरु नानक की बाँह है, बाबा नंद सिंह जी के वचन, तू नित्य नेम मत छोड़ना, गुरु नानक तेरी बाँह नहीं छोड़ेगा। गुरु नानक मेहर करे, हमें नित्य नेम की दात बख्शे, अमृत वेले की दात बख्शे। दास की तो सारी संगत के लिए गुरु नानक के चरणों में अरदास है कि सबको अमृत वेले के दांत बख्शे, सबको, क्योंकि ये सबसे बड़ी दांत है, सबसे बड़ी। अमृत वेला मिल गया ना, अगर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह सकती, कभी भी नहीं, किसी भी तरह से। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।